तो दोस्तों, गैंगटॉक और दार्जिलिंग के व्लॉग के बाद अब बारी आई है कलकत्ता की। तो होप दार्जिलिंग और गैंगटॉक का जो ब्यूटीफुल नज़ारा था आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो कलकत्ता के ऊपर है। कलकत्ता में वैसे हमने सिर्फ एक दिन भी नहीं, हम मतलब मॉर्निंग में आए और हमारी रात की हमारी जो थी ट्रेन थी, तो उस बीच में जितना भी हम लोग घूमे मैंने सबका व्लॉग बनाया है। तो वो भी मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए आज हम घूमते हैं, सैर करते हैं कोलकाता की। दोस्तों, ये है कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज। और ये है कलकत्ता का सेंट्रल एरिया। तो हमने इतनी सारी होटलें देखी, हमें कोई होटलें खाली नहीं मिल रही थी क्योंकि उस समय आईपीएल का टाइम था, तो सारी होटलें बुक थी। अब हमें मुश्किल से एक क्राउन टावर मिला, अच्छी है काफ़ी, मतलब बजट के हिसाब से सब कुछ, साफ़ सफाई, क्लीननेस, सब कुछ अच्छा था। मतलब और पूरे सेंट्रल एरिया में था ये, यहाँ से हमको सब कुछ नज़दीक पड़ता था, जैसे कि शॉपिंग के लिए अगर हमें बाज़ार जाना हो या क्या, तो सब नज़दीक था। अब चलो, हम आए हैं मेट्रो। जो उसके पास में बैठे हैं, जो थोड़ा शर्मा रहे हैं क्योंकि वो वीडियो कैमरा फेसिंग उनको अच्छा नहीं लगता, वो है करण के नानू। और नानी भी दिखाती हूँ, वो भी यहीं पे खड़ी हैं पास में और अभी आएंगे। ये जो है ये करण की नानी है। ट्रेन की सवारी हो गई, काफ़ी गर्मी थी तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल पिया जाए। तो बाहर ही एक लस्सी का शॉप था, ओ माय गॉड, माइंड ब्लोइंग, इतनी टेस्टी लस्सी, सिर्फ 20 रुपीज़ में उसने क्या कुछ नहीं डाला था लस्सी में, बहुत अच्छा। और ये देखिए, ये जो है ये काला जामुन है, ओ सॉरी, ये सफ़ेद जामुन है। ये जो सफ़ेद जामुन है स्पेशली मुझे कोलकाता में ही देखने को मिला भाई, मैंने पुणे में तो कभी नहीं देखा। और बाकी कहाँ मिलता है कहाँ नहीं बता, मतलब इसका टेस्ट भी इतना प्यारा है, मतलब इतना टेस्टी है कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए, कोलकाता में अब हम आ गए हैं एक मार्केट में। यहाँ इतने सारे मार्केट्स हैं कि मुझे किसी का कुछ नाम ही याद नहीं रह रहा था, मैं तो भूल ही जा रही थी कौन से मार्केट का क्या नाम है। पता नहीं, मुझे तो कुछ नाम याद नहीं आ रहा, बट आप कोलकाता जाओगे, मतलब वहाँ जाओगे तो आपको पता ही चल जाएगा क्योंकि ये फेमस ही इन सब चीज़ों के लिए ही है। तो अब हम आए हैं ऐसे शॉप में जहाँ पर भगवान के वस्त्र मिलते हैं, सब कुछ यहाँ पर क्या नहीं था ये बताओ, इतना सब कुछ, भगवान की नाइट ड्रेस, भगवान का बेड, मतलब उनको हम डेली यूज़ में जो हम यूज़ करते हैं ना वो सारा कुछ। मैंने ये नाइट ड्रेस तो पहली बार देखा है भगवान का। इतने प्यारे प्यारे कपड़े हैं भगवान के, मतलब इतने प्यारे प्यारे हैं, और उनके वस्त्र आभूषण काफ़ी प्यारे प्यारे हैं। मतलब ये देखिए, इन्होंने तो इतना कुछ लिया है कि मैं क्या बताऊँ। तो
दोस्तों सिक्किम और गैंगटॉक, दार्जिलिंग, उसके बाद हमारा जो आखिरी सफर था वो कैलकटा का था। तो हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इतनी पेशेंस नहीं थी, पर फिर भी हमने मतलब एक दिन में बहुत कुछ कवर किया। मार्केट्स काफ़ी 4-5 मार्केट्स हमने कवर किए। तो बस आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था कैलकटा का। इसके बाद भी हमने कुछ शॉपिंग किए थे बट मैं उसका वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि मेरी चार्जिंग बहुत लो थी। और दोस्तों अगर आपका कोई व्लॉग रह गया हो, जैसे कि गैंगटॉक माइंड ब्लोइंग, वहाँ की जो सीनरी थी इतनी अच्छी थी, अगर आपको देखना है तो आप दिशाज अब में जाकर वो चेक कर सकते हैं, सिक्किम, गैंगटॉक, दार्जिलिंग सब कुछ। और अब मैं आप विदा लेना चाहूँगी। सो बाय बाय, टेक केयर।